हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टैक सॉल्यूशन में। सो आज देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि एच टू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला टाइप आप जो देख रहे हैं वो मैंने कैसे लाया HTML की मदद से आउटपुट में। सो आज के वीडियो में मैं आपको यही पूरा बताने वाला हूँ बेसिक वे कि आप इसको कैसे ला सकते हैं। तो इसका कोड आप देख सकते हैं कि मैंने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज़ किया है। SUB टैग एंड SUP टैग सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि SUB टैग और SUP टैग का यूजेस। तो सबसे पहले मैं ये सबको रिमूव करता हूँ और आपको स्टार्टिंग से बिगनिंग से बताता हूँ कि SUP और SUP का यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसका यूजेस क्या है और कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो नॉर्मली जो आप देख रहे हैं इधर, नॉर्मली इधर कुछ नहीं है, SUB एंड SUP टाइटल हेड, ये जो बेसिक टैग है वो बेसिक टैग मैंने लिखा है। और बेसिक टैग तो आपको पता ही होगा, मैंने बेसिक टैग लिखा और कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ SUB टैग मीन्स सबस्क्रिप्ट के बारे में। SUB का फुल फॉर्म होता है सबस्क्रिप्ट, SUP का फुल फॉर्म होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट बेसिकली आपका केमिस्ट्री फार्मूला सब में यूज होता है, मीन्स H2O हो गया, N2SO4 हो गया, तो N2SO4 हो गया, H2O हो गया। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल में आपको बताऊंगा सबस्क्रिप्ट का। सो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये HTML ट्यूटोरियल मेरा जो 4 है या 5 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो मैं शुरू करता हूँ। तो इधर मैं पहले लिखता हूँ H2O। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने इधर H2O लिखा है, H2O लिखा है एक मैंने, और एक मैंने इधर डाउन में एक H2O लिखा है, और एक मैंने लिखा है NOSO4। तो आप देख सकते हैं NOSO4 लिखा है, NOSO4 और NOSO4 मीन्स H2O हाइड्रोजन क्लोराइड और NOSO4। तो मैंने ये दो एग्जांपल आपके सामने लिया है और ये दो एग्जांपल में आपको मैं बताऊंगा कि सब्सक्रिप्ट ये दोनों में कैसे यूज कर सकते हैं। मैं इधर N2SO4 आपको बता देता हूँ नॉर्मली, तो मैं बताता हूँ कि आप कैसे इसमें सब्सक्रिप्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लिख लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एडिटर में तो नॉर्मल लग रहा होगा आपको, कि इधर लिखा हो तो नॉर्मल है, बट ये ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है ये H2O जो है वो 2 जो है नीचे आता है। तो नॉर्मली इसको सेव करके देख सकते हैं कि कैसे इसका आएगा। बेसिकली मैं इसको सेव करता हूँ .html। आपको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, आप लोकल डिस्क डी में ही सेव कर दीजिएगा इसको। तो मैं .html करके सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ इसको तो मेरा डेस्कटॉप में इधर आ चुका है। मेरा इधर डेस्कटॉप में आ चुका है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने दो एग्जांपल लिया था, H2O एंड NOSO4 लिया था, H2O और NOSO4। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज, सबस्क्रिप्ट कैसे यूज करें, SUB कैसे यूज करें। तो बहुत ही सिंपल है, H2O जो आपको लग रहा है तो इसमें आप SUB टैग यूज करके वो H2O का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सिंपली डबल टैग ओपन करता हूँ, SUB डालता हूँ, और आपको ध्यान रखना है कि वो जो नॉर्मल वर्ड या टेक्स्ट है उसके आगे ही आपको SUB लगाना है। फिर उसके SUB एंड SUP दिस आर ऑल द पेयर टैग, इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। तो नॉर्मली इसका SUB लगाता हूँ मैं, तो SUB ओपन, SUB क्लोज लगाता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। तो आप अभी अच्छे से देख पाएंगे H2O का फॉर्मूला। तो ये देखिए जो ये 2 है वो मेरा डाउन आ गया है, नीचे आ गया है। तो इसी तरह SUB सबस्क्रिप्ट का काम यही होता है कि वो एक फॉर्मूला टाइप स्ट्रक्चर दे और 2 को डाउन करे। तो सब जो है वो डाउन करने का काम आता है। और फिर मैं SUB में एक और एग्जांपल लेता हूँ NOSO4 का। तो नॉर्मली आपको NOSO4 तो डाउन करना नहीं है, ओनली 4 डाउन करना है। जो चीज़ आपको डाउन करना है उसके आगे ही आपको सब लगाना पड़ेगा। मैं इसके आगे सब लगाता हूँ, सब लगाने के बाद इसके बाद भी सब क्लोज करता हूँ। तो नॉर्मली इसमें आगे सब क्लोज करता हूँ, SUB सब क्लोज करता हूँ, Ctrl+S। मैं इसको सेव करता हूँ नॉर्मली, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको सेव किया। फिर इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देख सकते हैं
H2O और NOSO4 कितना अच्छे से प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है, और 4 जो पहले नॉर्मली इधर साथ में था वो अभी 4 डाउन हो गया है। किसके मदद से? SUV के मदद से। तो हम लोग ने SUV देख लिया है कि सबस्क्रिप्ट का काम देख लिया है। अभी हम लोग नॉर्मली BR टैग यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो मैं नॉर्मली BR यूज करता हूँ ताकि मैं अभी जो लिखने वाला हूँ वो दूसरे लाइन में चले जाए, तो नॉर्मली मैं BR यूज करता हूँ। उसके बाद में मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, मैक्स का फार्मूला, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, a² + b²। तो आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो इधर ऐसा शो करेगा, a² + b² तो नहीं शो करेगा, a2 + b2 शो करेगा। तो a2 + b2 शो करेगा। तो a2 + b2 को आप a² + b² कैसे बना सकते हैं? सो मैं इसको Ctrl+Save करता हूँ, फिर इधर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं a2 + b2 है, तो ये प्रॉपर वे में नहीं है। तो हम लोग SUP सुपर स्क्रिप्ट जो है वो ये 2 को जो है स्क्वायर बना देगा। तो ये 2 को स्क्वायर बनाने के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? SUP टैग। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो SUP टैग यूज करने के लिए आपको डबल इनवर्टेड एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, SUP लिखना पड़ेगा। SUP आप ध्यान रहिएगा, जो आपको स्क्वायर बनाना है उसी को आप उसके आगे आप SUP डालने का, और SUP क्लोज करना है उसको। तो SUP क्लोज करता हूँ मैं नॉर्मली, SUP ओपन, SUP क्लोज। तो B2 को भी हम लोग को B² बनाना है, तो नॉर्मली इधर SUP ओपन करता हूँ मैं, SUP ओपन करता हूँ और SUP क्लोज करता हूँ। तो नॉर्मली SUP ओपन एंड SUP क्लोज। तो नॉर्मली इधर मैं SUP क्लोज करता हूँ। तो SUP क्लोज करने के बाद मैं इसको Ctrl+S या इधर से भी सेव कर दिया हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसका आउटपुट में जाता हूँ। आउटपुट में जाने के बाद फिर मैं इधर रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ, आप देख सकते हैं प्रॉपर मेरा फॉर्मूला में आ गया है a² + b²। सो आज के वीडियो में इतना ही था, कि आज के वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता था कि आप SUB सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कैसे कर सकते हैं HTML में। सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आज का वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।